आप पे एक आरोप है, हमारी जनता से आपसे एक आरोप है। आरोप ये है कि आपका नामसाई डिक्लेरेशन को लेके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुमक बागरा वो इज़ द चेयरमैन ऑफ रीजनल कमिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपना एमएलए साउंडलेस और पब्लिक भी हेल्पलेस। अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए पेटिशन फाइल करने वाला है दुर्पाई के पब्लिक लोग, तो आप इसके ऊपर में जनता को क्या जवाब देना चाहिए? अरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन का बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन कौन बनाया? चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम लाइन बनाने से हमारा प्रो बनाएगा ना आपका प्रो बनाएगा? आपको कौन बोला है कि ऊपर में लाइन खींच के रखो? हमको पूछ के खींचा है क्या? हम बहुत सगी उसे यहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ का टाइम मेमोरियल यहाँ बैठने वाला हूँ। आप कौन होता है कि हमको अलग करके आसाम में लेके गया? कितना लड़ लड़ करके मैंने 80% बाउंड्री को रिजर्व किया, तो उसको एलिगेशन डालता है कि हमारा एमएलए जो है उसे वहाँ जाकर के चुपचाप बैठ जाता है। मैं उसको तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं इसको रिप्यूट करता हूँ। ये कुछ सवाल आपसे करने के लिए बहुत तैयार के साथ आए हैं सर। जो आप अभी 2024 के बजट में आपने असेंबली में चीफ मिनिस्टर ग्राम आदर्श योजना को लेकर जिक्र किया था, जिसमें आपने प्रपोजल दिया था कि दिस स्कीम शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू, हमारे जो लेखापाली की एकदम जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बहुत सारा मतलब वाटर लॉगिंग का इश्यूज दिखते रहते हैं हर साल मानसून के सीजन पे, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो जिसे आपने ज़मीन के बात किए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी इससे जिम्मेदार होंगे या फिर सिर्फ आम एमएलएज लोग होंगे? बट देन हम लोगों के ये जो शो रहता है नो योर लीडर नो कैंडिडेट हम हैं ना जो, तो एवरी सेशन वी यू नो ट्राई टू ब्रिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि आखिरकार पब्लिक ऑफ 28 लीगावली दे आर गोइंग टू वोट यू। तो सबसे पहला क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक, इसको ये क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनका नाम है यूमे पोटम जी। एक्चुअली में यूमे पोटम ने फिर वहीं पे हाईलाइट करके लिखा है, आई डोंट लिव इन लिकावली बट माई हस्बैंड इज वर्किंग देयर। तो शायद कहीं ना कहीं वो इमोशन, वो जो भावना उसके साथ रह गया शायद। तो उसने पहला सवाल पूछा कि लिकावली का गेंसी कांकू हर स्कूल में टीचर का कमी क्यों है सर? ये में पोतम जी उन्होंने दूसरा सवाल किया है आपसे, उन्होंने लिखा कि डोंट यू थिंक लोअर सियांग नीड ए कॉलेज, ऑलमोस्ट ऑल गालो इनहेबिटिंग एरिया हैव कॉलेजेस बट लोअर सियांग डू नॉट हैव, डू यू हैव एनी प्लान ऑन दिस टॉपिक सेटिंग अप ऑफ ए कॉलेज? दूसरा पब्लिक से आपके लिए सवाल है जो कि है मोबम कमदक एंड इंडियन आर्मी, उन्होंने पूछा है आपको कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी तक अच्छा से फंक्शनिंग क्यों नहीं हो रहा? और कमदक जी ने वहीं पे दूसरा सवाल किया है आपसे, यहाँ पे लिखावली में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सर फ्रस्ट्रेशन में चल रहे वहाँ के जनता, तो लिखावली में इलेक्ट्रिसिटी लाइट का क्यों इतना प्रॉब्लम कर रखा है सर, वो आपसे एक सवाल है। अभी तक PMGSY रोड को कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है? ये तो सेंट्रल का फंड है, इतना गदर कहाँ हो गया MLA जी? आपको मालूम है कि नहीं PMGSY रोड इज वेरी पुअर कंडीशन फ्रॉम लिकावली टू दुर्पाई, इसका आप कारण बता दीजिए और अगर आपके तरफ से कुछ उपाय होंगे तो। सर आप जनता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि सर बताते तो ज़रूर है लेकिन कुछ ऐसे खबरें होते हैं कि मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ कई कबार ऐसे स्थिति हो जाती कि लोग वहीं पर मौजूद नहीं हो पाते, तो वहीं पर सर आपको जुमकिन बोले, उन्होंने खास करके आपसे बहुत सारे कुछ सवाल भेजे हैं और ये मैं सवाल आपसे गालो डायलेक्ट में ही करना चाहूँगी, क्योंकि आई डोंट वांट यू नो MPL न्यूज़ लाइव डोंट वांट एनी क्वेश्चंस टू बी मिस्ड आउट, और जैसे वो हिंदी सवाल भेजेंगे हम हिंदी से ही आपको सवाल कर देंगे, जैसे इंग्लिश से भेजेंगे हम इंग्लिश से ही सवाल कर देंगे, फिर क्योंकि जुमकिन बोले जी ने जो है गालो में सवाल किए तो ये गालो से मैं रीड आउट कर देती हूँ आपको। तो उसका सवाल है जुमकिन बोले जी का, लिकावली टाउनशिप 10 करोड़ सेंक्शन नंबर क्वालिटी अलमावरी का मतलब पब्लिक का कॉन्ट्रोवर्सी दो ना, अगर लिकावली 10 करोड़ टाउनशिप लगा सर नो लागे ओके सक्सेस ओके ओके बेक ड्रो से योम बला
सक्सेस माँ बोलो सिन ओक रीजन है यो वाला सर नो एक्सप्लेन बोलो मुनु पब्लिक का सेटिस्फाई हेल्प हम मिलो ना नारुम अगंबर नमस्कार वेलकम टू एमपीएल न्यूज लाइव दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गामी बोगो डियर व्यूअर्स टुडेज प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय यंग माइंड्स ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट ईटानगर एंड स्पॉन्सर्ड बाय जुमकेन बोले who is a senior youth leader of Lower Siang district. Dear viewers, the states of our country is divided into many constituencies. The Arunachal Pradesh has 60 legislative assembly constituencies, of which 28 Likabali constituency has become one of the most important constituency when we talk about from the aspect of archaeological site of the Arunachal Pradesh. So today joining us in the program is the sitting BJP MLA of 28 Likabali constituency, Sri Kardonyi Gyor. Sir, welcome to our today's show. Nok candidatum hennaju. Namaskar. Darshako, main aap sabhi ko bata du, hamare jo aaj ke mehman hain, he has done his class 10th standard and his early education started from Sibe Primary School, जो कि अब मिडिल स्कूल बन चुका है एंड देन ही डिड हिज क्लास 8 स्टैंडर्ड फ्रॉम गेंसी एंड क्लास 9 एंड 10 फ्रॉम डिब्रूगढ़ सर तो आपका ये जो जर्नी है लाइफ की जो जर्नी है डिब्रूगढ़ कहाँ से गेंसी और कहाँ से डिब्रूगढ़ मतलब हमारी जनता को थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आप गेंसी से डिब्रूगढ़ पहुंचना और अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना ये कैसे होना हुआ सर एक्चुअली जब हम लोग स्कूलिंग करते थे जी उस समय में थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था जी तो मैंने सोचा है कि मिशनरी स्कूल में अगर मैं एजुकेशन लेता है तो मुझे इंग्लिश बोलना आएगा बिल्कुल तो इसी विषय को लेकर के मैंने डिब्रूगढ़ में गया और वहाँ में दाखिला हुआ और अनफॉर्चुनेटली फर्दर एजुकेशन नहीं कर सका लेकिन क्लास 10 तक मैं वहाँ तक पढ़ा जी फिर सर आपका जो पॉलिटिक्स में रहने का वो आइडियोलॉजी कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ सर एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पॉलिटिक्स में आने का पॉलिटिक्स तो एक क्या बोलेगा एक संयोग से पॉलिटिशियन बना अच्छा तो मेरा एक इंटेंशन था कि मैं गेंसी में बैठूँ सेटल हो जाऊँ एक प्रोग्रेसिव फार्मर बने लेकिन टाइम की ये हालत ऐसा था कि मैंने सोशल सर्विस करना शुरू किया लोगों का साथ उठना बैठना हर ओकेजन में कुछ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भूपिन बोलो कुछ बोलो फिर पार्टी में पोर्टफोलियो लेकर के काम करना स्टार्ट हुआ okay. तो लोगों का एक नोटिस लोगों ने क्या होगा ये आदमी में कुछ क्वालिटी है उसको हम लोग लीडर में प्रमोट करें तो बेटर होगा तो लोगों का बोलने पर मैंने पॉलिटिक्स में गया okay. शुरुआत में मेरा पंचायत से मेरा स्टार्टिंग था शुरू में ग्राम पंचायत मेंबर उसका बाद अंचल समिति मेंबर उसका बाद में अंचल समिति का चेयरपर्सन उसका बाद जिला परिषद मेंबर फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा कहना साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर थे अरुणाचल प्रदेश का और इनका देहांत होने का बाद में लोगों ने फिर मुझे असेंबली के लिए बोला और मैंने कॉन्टेस्ट किया जीता आज MLA बना और सेकेंड टाइम MLA है कंग्रेचुलेशन सर थैंक यू फिर तो सर हमने कुछ सवाल आपसे करने के लिए बहुत तैयार के साथ आए हैं सर जो आप अभी 2024 के बजट में आपने असेंबली में चीफ मिनिस्टर ग्राम आदर्श योजना को लेकर जिक्र किया था जिसमें आपने प्रपोजल दिया था कि दिस स्कीम शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड बल्कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए मतलब ये स्कीम से थ्रू अब मतलब आपका जो लिकावाली का जो जनता है इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है जिसके कारण मतलब आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं बेसिकली चीफ मिनिस्टर आदर्श ग्राम योजना जो है ये एक मॉडल विलेज बनाता है okay. ये एक पर्टिकुलर विलेज को हम लोग चुनते हैं और उसी विलेज में सारा फंड कंसेंट्रेट करते हैं करीब 1 करोड़ 50 लाख का लागत से सरकार से हमें पैसा मिलते हैं okay.
तो हम लोगों ने एक गेंसी सर्कल में जब कैना साहब थे उस समय में तारा मुरी को चुना और तारा मुरी में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। वहाँ में लोगों का घर बना और स्ट्रीट विलेज का स्ट्रीट रूट बना, स्कूल बना, देरे बना। तो ऐसा करके एक विलेज में जो हमको फैसिलिटीज होना चाहिए उस चीज़ को सारा कर देते हैं। ओके। उसके बाद जब मैं MLA बना फिर मैंने हिने बोस्ती कांको सर्कल में है तो इसको चुना है। तो हालांकि 50% पार्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला और मिलेंगे ये फाइनेंशियल ईयर में। ओके। तो उससे हम लोग को बहुत काम करने मिला क्योंकि विलेज में जो स्ट्रीट रोड है उसको बना, फिर विलेज में जो ड्रेनेज नेटवर्क का काम था उसको बना है और बस्ती में जो घर नहीं बना सकता है ड्वेलिंग हाउस उसको इस स्कीम का अंतर्गत ले सकते हैं। और स्कूल में कुछ डेस्क बेंच का कमियाँ होगा, क्लासरूम का कमियाँ होगा जी। सारा चीज़ को इस पैसा से हम लोग फुलफिल कर सकता है। तो ये एक अच्छा स्कीम है, मैंने इसलिए असेंबली में जिक्र किया था जी। इस स्कीम को डिसकंटिन्यू नहीं करके उसको कंटिन्यू करना है क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत एक अच्छा लाभदायक एक स्कीम है, स्टेट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बिल्कुल, बहुत ही लाभदायक स्कीम है सर। एंड देन सर, जब भी हम लिकावाली की बात करते हैं ऐसे कुछ भी न्यूज़पेपर नहीं होंगे अभी तक जो मतलब डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में कहीं लिखा ना गया हो आर्टिकल्स। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि ये जो आपने हमारे जो ऑनरेबल MLA जी हैं न्यामर कारवक जी, उनके साथ आपने हमारे जो ऑनरेबल CM है आसाम के साथ, उसके साथ कुछ बैठक हुआ था, तो उसका जो आउटकम है आप हमारी तरह जनता को बता दीजिएगा सर। एक्चुअली बाली थू आपका दुरुपाय जी, ये सारा कांको सर्कुल को कवर करते हैं। एक PMGSY का पूर्व पैकेज का प्रोजेक्ट था तो वो असम अरुणाचल बाउंड्री में होने का वजह से असम से बहुत कुछ ऑब्स्ट्रकल आया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन, उसका बाद वहाँ का लोकल रेसिडेंट का ऑब्जेक्शन, ऐसा करके कॉन्टेक्ट तो जो है बहुत सफ़र कर रहा था, काम कंटिन्यू नहीं कर सका। और वो लोग सारा मशीनरीज प्लान और लेबर फोर्स बैठा कर रखा है, हर दिन में बहुत कुछ उसका लॉस में चल रहा था। तो मैं अपना स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया इसको कैसे करके एक सॉल्यूशन में लाना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैंने एक प्लान बनाया। कारवाक साहब और हमारा आसाम CM का साथ एक अच्छा रिलेशन है क्योंकि पहले से वो लोग जान पहचान है। तो मैंने कारवाक साहब को रिक्वेस्ट किया, अभी तो क्या फोटो मौजूद है, तो सर को बोला है कि सर चलिए हम दोनों आसाम CM को मिल के बात करते हैं। ग्रेट। तो हम दोनों वहाँ गया है तो अपॉइंटमेंट मिल गया हम दोनों को, लेकिन देखा है तो उसी दिन में उसका सर का बर्थडे था। जब बर्थडे हुआ है तो सारा आसाम का MLA MP सब आकर के घर में एकदम एक मेला टाइप का हो गया। तो हम लोगों ने भी विश किया हम दोनों, तो सर ने बोला है कि आप दोनों आज बैठिए, कल शाम को आ जाइए, कल आप लोगों को भरपूर समय देगा। तो आसाम का CM साहब हमारा हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने हम दोनों को 2 घंटा समय दिया और डिनर खिलाया। तो उसमें वहाँ का जो बाउंड्री का MLA आपका रोनोज पेगू साहब हमारा सब बाउंड्री शेयरिंग करते हैं और बोबेन पेगू साहब वो जोनाई का MLA है, 2 MLA का साथ मेरा बाउंड्री शेयरिंग होता है। दोनों को सर ने बुलाया और हम लोग बहुत डिस्कशन किया, मतलब उसका जो प्रोमोशन कौन को, तो सर का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। सर बोला है कि ये तो केंद्र सरकार का स्कीम है, मेरा ये आपका प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना है, उसको बनाने से बहुत स्टेट का लोगों को बेनिफिट होगा, रास्ता बनाना कोई एक ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, उसको एनकरेज करना चाहिए। मैं अपना ऑफिसर लोग को इंस्ट्रक्शन देगा, आप लोग को कोई हार्डल्स नहीं होगा, रास्ता को बनाओ, अगर उसमें बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम आसाम का फंड को भी लगा करके आपका रूट को कंप्लीट करेगा, रूट को हम अधूरी नहीं रखेगा जी। और वो एक था। दूसरा था कि हमारा लिकावली में एक मालिनी थान टेम्पल है जी। तो टेम्पल का नीचे में एक मालिनी ग्राउंड है, तो मालिनी ग्राउंड इसलिए हम लोग उसको रखा है कि हर साल वहाँ में मेला होता है, मालिनी मेला जी। तो वो एरिया जो है ऐसे रखा है, लोग एनक्रोच करता है और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एक आपका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है।
तो उसी को भी हम दोनों ने सीएम साहब को, आसाम सीएम साहब को बोला है कि सर देखिए यहाँ आपका ऑब्जेक्शन है आपके गवर्नमेंट का, हम जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर करने जाता है तो आसाम पुलिस आकर के सारा सामान सीज करके चला जाता है, जबकि ये एक आस्था का जगह है, ये एक रिलीजियस प्लेस है, इसको डेवलप करने से तो खास करके आसाम का लोगों को बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम हमारा जगह में टूरिस्ट आएंगे, लोगों को बेनिफिट होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो रेस्टोरेंट चलाता होगा, जो होटल चलाता होगा, जो होम स्टे चलाता होगा, सारा को बेनिफिट होगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सर, उसको आप ऐसा इंस्ट्रक्शन देने से ठीक है कि इसको बनाने देना है। तो सर ने इसको भी एग्री किया। ग्रेट। तो हम अपना गवर्नमेंट को, अपना सीएम को बोला है कि हम ऐसा बांट करके आ गए सर, आप फंड दे दीजिए, हम लोग उसको बनाएगा। अभी फर्स्ट क्लास कंपाउंड वॉल बन गया और वहाँ में 64 शॉप्स मतलब दुकान परमानेंट स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट होने का स्टेज में आ गया। मेरे ख्याल ये नवंबर दिसंबर को पूरा कंप्लीट करके हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे। okay. और दूसरा था okay. तीसरा ये था कि यहाँ में एंट्री पॉइंट में एक पोर्शन अराउंड आपका 50-100 मीटर के आसपास में रोड जो है टूट के बहता है जी। तो वो भी असम अरुणाचल बाउंड्री प्रॉब्लम होने की वजह से उसको नहीं बना पाता। तो उसको भी हम दोनों ने डिस्कस किया, कारवाक साहब हम दोनों सीएम साहब को, सर ये तो नेशनल हाईवे है, उसको ऐसा टूटा कर रख कर ये तो बोट स्टेट के लिए तो बहुत शर्मनाक है जी। तो सर ने बोला है कि ठीक है अपना अपना बनाओ, हम अपना बना लेंगे, आप लोग अपना बना लो, ऐसा करके वो रास्ता को कंप्लीट करना है। उसका मेन पर्पस ये है कि लिकाबली टाउन का जो डिस्चार्ज है ड्रेन का, वो बहुत बड़ा एक वॉल्यूम बन जाता है रेनी सीजन में, तो वो पानी को आसामोला डाइवर्ट करने नहीं देता है, क्योंकि इनका वहाँ से जाने से फ्लड होगा, इरोजन होगा, ऐसा एक अप्रेंशन है। और ये पानी पहले यहाँ से ये आपका असम का एक बीएन हेडक्वार्टर है, वहाँ से होकर के उसी ड्रेन से सिलापत्थर एक हनुमान मंदिर है उसी ड्रेन में ड्रॉप होता था, उसको बीएन वाला ने बंद कर दिया और पानी जहाँ था जाने लगा तो ये इशू क्रॉप अप हुआ। तो सर ने बोला है कि ठीक है उसको आप लोग बैठ के डिसीजन ले लो, वहाँ का लोकल एमएलए एमपी को भी इन्वॉल्व करो, हमारा पठान बोरा साहब वहाँ का लोकल एमपी है। तो हम लोगों ने तुरंत आकर के एक मीटिंग कंडक्ट किया, धेमाजी डीसी आपका धेमाजी, एसपी धेमाजी और लिकाबली का हमारा जो काउंटर पार्ट का एसपी डीसी है, उसका बाद फडान बुरुआ साहब जो कि हमारा ऑनरेबल एमपी है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का, और भवन पेगू साहब मैं बैठ करके हम लोग एक डिसीजन एक रिजॉल्व किया। हम लोगों ने ये बोला है कि सीएम साहब ने जो जजेस किया था अपना अपना पोर्शन को करके इसको कम्प्लीट करना है। तो आसामोला का तो मेरे ख्याल सेंक्शन हो गया होगा, लेकिन वो लोग अभी काम शुरू नहीं किया। तो हमारा पोर्शन में करने के लिए मैंने बहुत बार पब्लिक को अपील किया, हर सभा में जब भी लिकाबली जाता है तो मैं इसको जिक्र करता हूँ, पानी को एक जगह में कंसंट्रेट करके बड़ा वॉल्यूम में जाने देगा तो एक नदी जैसा बन जाता है। बिल्कुल। तो हम मेरा प्लान ये था कि लिकाबली में तीन जगह में हम डाइवर्ट करें, एक है कि हायर सेकेंडरी का जो पानी है उसको गायनोडी में ड्रॉप करेगा, दूसरा है कि जो फॉरेस्ट कॉलोनी और पेट्रोल पंप का आसपास वाला को यहाँ से करके एक हमारा आईजीपी है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो मारी रिबा साहब है, इनका घर का बगल से जा करके वो मालनी थाम में पहुँचेगा, वो नाला में ड्रॉप होगा। और जो बीच का पानी है उसको हम लोग ले करके आसान बीएन में लेके आएगा, वो पानी का वॉल्यूम कम होगा। तो उसके लिए तो लोकल पब्लिक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, वो जमीन देना पड़ेगा, जिस जमीन से जा करके हम उसको ड्रेन बना पाएगा। आज तक तो पब्लिक हमको वो ड्रेन यहाँ से जाना है बोल के नहीं देखा पा रहा है, तो वो इशू है कि हम गवर्नमेंट से सेंक्शन नहीं ले पा रहा है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ और सेंक्शन जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग वो काम को बिफोर 24 इलेक्शन हम लोग स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा। ओके। फिर सर जैसे आपने बोला ड्रेनेज सिस्टम वाटर, तो वहीं पे हमारे जो लिकाबली के एकदम जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बहुत सारा मतलब वाटर लॉगिंग का इश्यूज दिखते रहते हैं हर साल मानसून के सीजन पे स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट।
तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो जैसे आपने ज़मीन के बात किए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी इससे ज़िम्मेदार होंगे या फिर सिर्फ अहम MLAs लोग होंगे? नहीं, ये तो प्योरली आपका पब्लिक का, मैं तो पब्लिक को ही उसके ज़िम्मेदार को ठहराएगा, क्योंकि वहाँ का लोकल रेसिडेंट जो ज़मीन का मालिक है, इनको तो ज़मीन देना है हमको दरन बनाने। बिल्कुल, सिर्फ पानी वहाँ पहुँच गया, उस पानी को मैं कहाँ से लेकर जाऊँ? उसको जाने के लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, उसको दो तीन दरन बना करके पानी का जो आपका वो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके वो आसामोला भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, पानी का वॉल्यूम कम है, ये तो ड्रेन में जाने लायक है। अभी जो इतना हैवी फ्लो में आता है कि वो तो नदी बन जाता है, तो ये इशू है उसमें। लेकिन ये मैं तो अपना लेवल में एक रेस्पॉन्सिबल MLA होने का नाते ये कर रहा हूँ, जबकि ये रास्ता हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता है। ये नेशनल हाईवे आपका ये क्या बोलता है, NHADCL का पार्ट है। तो उसमें भी एक डिस्प्यूट है कि NHADCL बोलता है कि आज तक BRO ने हमें ये पोर्शन को हैंड ओवर नहीं किया, और फिर BRO बोलता है कि हैंड ओवर करने के लिए सारा कुछ फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना पड़ेगा, ऐसा करके मतलब वो जगह जो है ऐसा बन गया कि वो डिस्प्यूट का पॉइंट ही है। एक NHADCL का और BRO का साथ डिस्प्यूट है, एक आसाम अरुणाचल का साथ डिस्प्यूट है, तीसरा डिस्प्यूट है कि हमारा लोकल आदमी लोग ड्रेन बनाने का जमीन नहीं दे रहा, ऐसा ऐसा करके वो आज तक पेंडिंग है। अदरवाइज बहुत पहले वो रिजोल्व होना, कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज करने का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ये इशू है जी। फिर तो ये थे सर कुछ सवाल हमारे ओर से, बट देन हम लोगों के ये जो शो रहता है नो योर लीडर नो कैंडिडेट हम हैं ना जो, तो एवरी सेशन वी यू नो ट्राई टू ब्रिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि आखिरकार पब्लिक ऑफ 28 लीगावली दे आर गोइंग टू वोट यू, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक, इस ये क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनका नाम है यूमे पोटम जी। एक्चुअली में यूमे पोतम ने फिर वहीं पे हाईलाइट करके लिखा है, आई डोंट लिव इन लीगावली बट माई हस्बैंड इज वर्किंग देयर। तो शायद कहीं ना कहीं वो इमोशन, वो जो भावना उसके साथ रह गया शायद। तो उसने पहला सवाल पूछा कि लीगावली का गेंसी कांकू हर स्कूल में टीचर का कमी क्यों है सर? टीचर का कमी को तो ये तो एक हम फर्स्ट तो हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में टीचर का जो डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा कम है, वो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि हमारा वहाँ का जो टीचर जो जो बूढ़ा बूढ़ी हो गया था सारा रिटायरमेंट चला गया, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं है कि APPSC दो तीन साल से डिफंक है, रिक्रूटमेंट थ्रू APPSC से करता है जी। अभी मैं उस दिन डायरेक्टर को बोला था कितना वैकेंसी, बोल रहा था 4,000 के आसपास अभी वैकेंसी, रिजल्टेंट वैकेंसी क्रिएट हो गया टीचर का, क्योंकि हम उसका रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक वो है कि रिप्लेसमेंट नहीं आने की वजह से एक टीचर का शॉर्टेज तो है। तीसरा ये है कि हमारा स्कूल लूप में एनरोलमेंट बहुत कम है। एनरोलमेंट कोई कोई में 15 होगा, कोई 20 होगा, कोई 30 होगा। तो एनरोलमेंट कम होने से क्या होता है कि आपका टीचर वहाँ बैठ के पढ़ाना, एक जो स्कूल में जो एक एनवायरनमेंट जो बनना चाहिए वो चीज़ नहीं बना, और कोई कोई स्कूल तो एकदम डिफंग है, कोई स्टूडेंट है नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये प्लानिंग स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा एक प्लानिंग वो लोग बना रहा है कि जो जो स्कूल आपका आसपास में था, एक एक पहले आपका वो क्या बोला था कांग्रेस का एक सर्व शिक्षा अभियान, उसका हिसाब से तो अब एक एक बस्ती में एक एक स्कूल बनाना है, जबकि वो पॉलिसी डिफेक्टिव था। तो एक एक स्कूल में एक एक बस्ती में एक एक स्कूल बनाने से तो हुआ तो बिल्कुल स्टूडेंट है नहीं। अभी जितना बस्ती में आपका जो बच्चा जन्म दे सकता है वो सब बाहर में है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ईटानगर बैठा है, कोई लीगावली बैठा है, उसी स्कूल में एडमिशन कर रहा है अपना बच्चा को। जो बस्ती में बैठा है वो तो बिल्कुल बुढ़ा बुढ़ी लुक है। ऐसा करके
लेटरली कोई कोई स्कूल में स्टूडेंट है नहीं, तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है कि उसको 3-4 स्कूल को क्लब करके एक इंटर विलेज स्कूल बनाए। तो इंटर विलेज स्कूल बना के सारा फैसिलिटीज उसमें दे देगा, आपका स्कूल बिल्डिंग, टीचर क्वार्टर, देन बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ये सब करने का बाद में पूरा एक स्कूल का एक जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, प्लेग्राउंड होगा, स्कूल कंपाउंड को सिक्योर करेगा जी। ऐसा करके अभी हमारा बालीसुरी में एक आईवी स्कूल का सेंक्शन हुआ अराउंड 4 करोड़ का। okay. वो भी अभी टेंडर होकर शुरू होगा। अगर ये मॉडल सक्सेस होता है तो हम लोग इंटर विलेज स्कूल बनाएगा और इंटर विलेज स्कूल बना के जो सब्जेक्ट टीचर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके कम से कम एक प्राइमरी स्कूल में 5-6 टीचर की ज़रूरत है जी। तो अभी हमारा वहाँ तो कोई में एक है, कोई में दो है, कोई में 3 है। तो ऐसा करके ये समस्या है, लेकिन उसको एक परमानेंट एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लाने के लिए एक प्लानिंग का ज़रूरत होगा और गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट भी एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा कि इंटर विलेज स्कूल को धीरे धीरे नहीं करके वन गो में एक फूल मतलब एक जैसे 1000 या 500 करोड़ का एक पैकेज देके सारा स्कूल को एक साथ डेवलप करना पड़ेगा जी। सर जैसे आपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र किया है, तो सर आपको क्या लगता है कि मैं फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव लाइक व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फुलफिलिंग दिस टीचर रिक्वायरमेंट? सर टीचर रिक्वायरमेंट तो स्टेट का हिसाब से मेरे ख्याल स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो तो स्टेट लेवल में ठीक है। तो ठीक होने से क्या होगा कि हमारा सारा जो टीचर है सब कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दाम पोकर के बैठा है, कोई स्टेट कैपिटल में बैठा है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो रीजन मैंने भी पूछताछ करके देखा, अपना डीजीसी को बोला है कि कोई किसी का पाव खराब है, किसी का हार्ट खराब है, किसी का विजन लो विजन है, कोई किसी का पत्नी है, कोई मतलब किसी का हस्बैंड है, दोनों ज्वाइंट पोस्टिंग करके बैठा है, ऐसा ऐसा करके सबका कहीं ना कहीं एक इशू है, कोई समस्या है। ये रीजन है कि टीचर लोग आपका हेडक्वार्टर में सब बैठा है, ये एक रीजन बता रहा है। दूसरा है कि मैंने अभी जिक्र किया है कि वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सारा 4000 टीचर आप शॉर्टेज का मतलब उसको समझ लीजिए, कितना टीचर का शॉर्टेज जी, बिल्कुल ये एक इशू है। फिर सर वहीं पे ये में पोतम जी उन्होंने दूसरा सवाल किया है आपसे, उन्होंने लिखा कि डोंट यू थिंक लोअर सियांग नीड ए कॉलेज? ऑलमोस्ट ऑल गालो इनहेबिटिंग एरिया हैव कॉलेजेस बट लोअर सियांग डू नॉट हैव। Do you have any plan on this topic, setting up of a college? हम तो community basis में जो college मांगेगा उसको तो encourage नहीं करूँगा, क्योंकि college जो है एक need basis में होना चाहिए। और लिखावली जो है एक बहुत potential जगह है, college बन सकता है, क्योंकि असम अरुणाचल boundary का होने का साथ साथ अगर उसमें हम college establish करता है तो असम से भी आकर के वहाँ पड़ेगा जी। तो आसाम का साथ हमारा स्टूडेंट मिक्सअप होने से वो फ्रेंडली एक फ्रेंडली जो रिलेशनशिप बनता है वो बनेगा, ऐसा करके एडवांटेज बहुत है जी। इसलिए मैंने एक प्रपोजल दिया था, ज़मीन भी अवेलेबल है वहाँ का लोकल रेसिडेंट बाली बस्ती का, वो लोग ज़मीन को भी डोनेट किया था करके सारा फॉर्मेलिटीज प्रपोजल करके हम यहाँ डीसी का थ्रू डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन यहाँ से होकर के मिनिस्टर एजुकेशन कमिश्नर होकर के मिनिस्टर सीएम तक भी चला गया था। फाइल हम लोग का एक इंटरेस्ट था कि जमदे के नाम मेमोरियल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा करके, लेकिन वो फाइल तुरू नहीं हो सका। गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेशली हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश में आज तक बहुत कॉलेज सेंक्शन करके रखा है, लेकिन वो कॉलेज जो है एक फैकल्टीज का शॉर्टेज है, कोई कोई में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। तो सारा कॉलेज जो अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज सेंक्शन करके रखा है उसको फुल फ्लेजेड एस्टाब्लिश करके उसको फुल फ्लेजेड चलने के बाद में हम लोग न्यू कॉलेज के लिए सोचेगा। अभी एट दिस मोमेंट अभी हम लोग कॉलेज को बनाते जाएगा तो
हम लोग के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होगा, क्योंकि पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं आ रहा है जी। तो हम लोग कॉलेज को नेम सेक में कूल के किसी का जिंदगी को बर्बाद करना ये सही नहीं है, इनका ये ओपिनियन था और उसी ओपिनियन को हमारे सीएम साहब सहमति जताया कि उसको तुरंत देर रुको, जब ये सारा चीज होने के बाद अभी हम लोग का फंड पोजिशन भी ठीक है, सारा कॉलेज को हम लोग डेवलप कर लेता है, देन जब न्यू कॉलेज का लेने का स्टेज आएगा तो आपका जरूर कंसीडर करेगा, ऐसा आश्वासन। ओके, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चल, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ओके, फिर सर यहाँ पे एक दूसरा पब्लिक से आपके लिए सवाल है, जो कि है मोबम कमदक एन इंडियन आर्मी। उन्होंने पूछा है आपको कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी तक अच्छा से फंक्शनिंग क्यों नहीं हो रहा और परमानेंट हेडक्वार्टर क्यों नहीं है। ये तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कॉलेज कॉलेज बोलता है परमानेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो सीजी है, क्योंकि सीजी को कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट अप्रूवल को लेकर के हम लोग उसको स्टेट असेंबली में लाया, स्टेट असेंबली ने डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड किया, पहले गारू था, गारू को रिप्लेस करके अभी सीजी। तो उसको बेस करके गवर्नर ने एसेन किया और उसको नोटिफिकेशन भी कर दिया स्टेट गैजेटियर डिपार्टमेंट ने, उसका बाद फिर लैंड को भी नोटिफाई कर दिया सारा सर्वे करके, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये तो सीजी तो हेडक्वार्टर बनेगा। लेकिन अभी एक टेम्प्रोरी इंजेक्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT से, क्योंकि हमारा नारी कोई रामले बांगो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट मरजुम खरवा आई थिंक, इन्होंने एक पिटीशन डाला NGT में। NGT में इन्होंने ऐसा लिखा था कि ये कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो ये इको सेंसिटिव जोन का अंदर में गिरता है, उसको हेडक्वार्टर नहीं बनाना है, इनका एक एलिगेशन था। दूसरा एलिगेशन ये था कि कुछ भी अगर पोरेस को डाइवर्ट करता है तो कहीं भी उसको FC लेना होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसको बेस करके NGT ने एक ऑर्डर जारी किया है कि हम लोगों को आप लोग इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई कराओ कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और फॉरेस्ट क्लियरेंस लेकर के आप अपना काम शुरू करो। तो इको सेंसिटिव जोन का सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि मिनिमम 1 किलोमीटर दायरे में वो इको सेंसिटिव जोन होगा, अगर वो नोटिफाई नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट 10 किलोमीटर का एरिया को पूरा ले लेगा। तो 10 किलोमीटर बाय डिफॉल्ट में हमारा सीजी आ जाता है, क्योंकि वो 6 किलोमीटर का दायरे में। तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री को बोला ये सारा चीज़ हो गया, पब्लिक हियरिंग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया, आपने मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी निकला, उसका क्लेमेंट ऑब्जेक्शन का भी 1 मंथ का टाइम था, आपने नोटिफिकेशन दे दिया, उस टाइम भी खत्म हो गया जी। तो मिनिस्ट्री ने बोला ये सारा फॉर्मेलिटीज खत्म है, अभी उसको नोटिफाई करना है, और नोटिफिकेशन कर दिया इको सेंसिटिव जोन, उसमें कोई इशू नहीं, ये एक पार्ट खत्म हो गया। अभी दूसरा पार्ट है कि हम लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये कोई RF में नहीं है, कोई रिजर्वेशन में नहीं आता है फॉरेस्ट का, USF एरिया है, और उसको सारा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होने का बाद ये एक फॉर्मेलिटी से ये भी हो जाएगा, और CG जो है परमानेंट हेडक्वार्टर, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई सेकेंड थॉट नहीं। ओके, CG विल बी द परमानेंट हेडक्वार्टर। तो सर वो अभी प्रॉपर वे से फंक्शनिंग करना भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, जब तो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस आने के बाद कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन मीटअप हो जाएगा तो हम लोग काम करना शुरू करेंगे जी। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट 61 करोड़ सेंक्शन करके रखा है, अभी जस्ट इंजेक्शन के लिए हम लोग रुक कर रहता है, अदरवाइज अभी फुल स्विंग में काम होना। ग्रेट सर, फिर सर वहीं पे ये मोबम कामदक जी ने वहीं पे दूसरा सवाल किया है आपसे, यहाँ पे लिखावली में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सर फ्रस्ट्रेशन में चल रहे वहाँ के जनता, तो लिखावली में इलेक्ट्रिसिटी लाइट का क्यों इतना प्रॉब्लम कर रखा है सर, वो आपसे एक सवाल है। इलेक्ट्रिसिटी तो ये तो भारत सरकार का है, अभी वन नेशन वन ग्रिड करके सारा तार को एक साथ जुड़ के वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ग्रिड पावर ग्रिड को हम लोग को पावर पहुंचा देना है और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट करें। लेकिन इसमें इशू ये है कि आपका अभी हम लोग आसाम से द्रव कर रहे हैं, आसाम से द्रव करने से क्या हो रहा है कि उसमें वोल्टेज का द्रव हो रहा है,
है, क्योंकि सीधा हमको टाटीट्री की भी लाइन देमा जी से यहाँ मैंने लिखावली में देना चाहिए था, और जो हम अपना पोर्शन है अरुणाचल पोर्शन है उसको हम लोग को खुद को इन्वेस्ट करके टाटीट्री के भी लाइन बिछा के हम लोग अपना ये में ट्रांसफार्मर में 33 व 11 के भी बनाना था, लेकिन उसको मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बार लिखा, लेकिन वो 33 के भी लाइन वहाँ से नहीं हो पाया। वो एक रीज़न है कि वोल्टेज थोड़ा सा कम है, क्योंकि 11 के भी सीधा आसाम से आ रहा है, वो एक इशू है। दूसरा है कि पावर के लिए मैं एक अच्छा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ लिकावली वासियों को और हमारा लोअर चांग वासियों को। अभी हमारा लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको एनएचपीसी बना रहा है, वो सारा बन करके तैयार है, जस्ट एक गेट लगाना था। तो गेट नहीं लगा पा रहा है कि क्योंकि पानी बड़ा हो गया, वो पानी में पानी का नीचे जा कर के वो गेट जो ऑन बंद करता है खुलता है उसको बनाना है। तो अभी अक्टूबर आने के साथ साथ एनएचपीसी और गेट को बनाएगा, और नवंबर दिसंबर तो गेट बना के तैयार होगा, और दिसंबर को हमारा लोअर सियांग का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चालू होगा, कमीशन होगा। फर्स्ट में ये लोग 500 मेगावाट शुरू करेगा। तो अभी हमारा वो गेरुगा मुख से लेकर के पासीघाट तो ट्रांसमिशन टावर जिसको 132 kV लाइन जाता है जी। वो हम लोग पूरा बना करके 50% शायद अभी बन गया, अभी कॉन्डक्टर स्ट्रेचिंग करके वो पावर को लिकावली में ला के लिकावली में और एक सब स्टेशन बना रहा है पावर ग्रिड। उसमें 132 kV को 33 में कन्वर्ट करके गेंसी भेजेगा, बासर भेजेगा, इवन आसाम को भी देगा और नारीकुई भी जाएगा। फिर 33 को 11 में कन्वर्ट करके लिकावली कांकू को पूरा ये एनएचपीसी लाइट से इलेक्ट्रिफाइड होगा। तब ये आपका जो एनएचपीसी का जो हाइड्रो है लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो कमीशन होने का साथ साथ हमारा सारा पावर का समस्या खत्म, और लोगों को फुल वोल्टेज जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है, और पावर का कोई समस्या नहीं रहे। ओके ग्रेट, आई होप दिस आंसर इज सेटिस्फाइंग टू आवर मोबम जी। अगेन मोबम जी से दूसरा तीसरा सवाल है सर आपसे। उन्होंने लिखा, अभी तक PMGSY रोथ को कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है? ये तो सेंट्रल का फंड है, इतना गदर कहाँ हो गया MLA जी? आपको मालूम है कि नहीं, PMGSY रोड इज वेरी पुअर कंडीशन फ्रॉम लिकावली टू दुर्पाई। इसका आप कारण बता दीजिए, और अगर आपके तरफ से कुछ उपाय होंगे तो हमारे जनता को बता दीजिए सर। एक्चुअली PMGSY प्रोजेक्ट जो इस PMGSY 2 करके अभी हमारा स्टेट में चल रहा है, आसाम में तो PMGSY 5-6 तक भी आ गया। PMGSY 2 में हम लोग का एक बस्ती को बस्ती से दूसरा बस्ती को जुड़ना है। उसका रोड ब्रिज जो है 3 मीटर है, और उसका लोड कैपेसिटी जो है 8 टन है। तो हमारा यहाँ में उसको सीधा हाईवे में जोड़ दिया, बाली से लेकर के दुर्पाई आपका 65 का किलोमीटर के आसपास है, तो हाईवे बना दिया हम लोग उसको। तो जब हाईवे बनने का साथ साथ में आपका सारा जो 10 चक्का का गाड़ी, 12 चक्का का गाड़ी, जो आपका 25 टन लेके 30 टन लेके, जबकि वो रूट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो जाने का साथ साथ उसमें रास्ता दब गया, क्योंकि रूट पेवमेंट जो है आपका पॉपुलेशन बेस करके ट्रैफिक मूवमेंट को बेस करके डिजाइन करता है। PMGSY 2 में एक GSB लायर है, GSB मतलब ग्रेनुलर साफ बेस बोलता है, वो गिट्टी बालू के साथ मिला के उसका ऊपर में WBM है। WBM जबकि 1, 2, 3, 4 हाईवे में जाता है उसमें एक लायर WBM है, उसका ऊपर में स्क्रीनिंग साइज लगा के ब्लैक टॉपिंग करके रूट को पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया। अब उसमें 8 टन से ज़्यादा गाड़ी मत उतारो, तो हम लोग कहाँ मानता है कि सारा लोग लेके आ जाता है, सारा मतलब 30-40 टन लेके आ जाता है, वो लूट बियर नहीं कर रहा है, यही रीज़न है। तो ये सिर्फ हमारा वहाँ में प्रॉब्लम नहीं, सारा अरुणाचल में सेम प्रॉब्लम जी। फिर सर कई लोगों ने आपसे ये सवाल किया है कि MLA का प्रोग्रेस रिपोर्ट कब देगा? जैसे बासर का MLA दिया है, ऐसा कब तक होगा? ये तो बहुत अच्छा बात पूछा है, मैंने जल्दी देने के लिए
सोचा हूँ, अभी सारा मैं जो जो काम किया उसका ब्यौरा मैं बना रहा हूँ, लिस्ट उसका सोची बना रहा हूँ। जब बना के तैयार होगा लोगों को मैं दिखा दूंगा मैंने ये काम किया, और आप सेटिस्फाइड हो तो बोलिए, और पार्लर जो मैं काम करेगा उसको भी मैं बता दूंगा लोगों को। ओके, तो सर हमारे जनता कब तक ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपका, इसको कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये विद इन अक्टूबर, क्योंकि हम लोग का यहाँ में थोड़ा सा मीटिंग वीटिंग कराना आपका, ये जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में रैनी सीजन है, बहुत गर्म होता है होटल में, तो इसलिए मैंने उसको जानबूझ के रुक के रखा हूँ। अक्टूबर आने सारा चीज़ ठीक होगा, मौसम भी ठीक होगा, और आपका लोगों का जो आवाजाही होगा वो भी इजी होगा जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने इसको अक्टूबर तक डेट रखा, अक्टूबर विद इन अक्टूबर ना। ओके, फिर सर यहाँ पे कारबा रिबा, उनका ये सवाल है, सवाल से पहले उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन कितना सुंदर से लिख रखा है, मैं आपको सुनाती हूँ। रिसेंटली नामसाई डिक्लेरेशन लेट पीपल्स होप इन द वेक्स्ड इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट। Unfortunately, three villages, Durpai, Champak Chojo, and Sogum, have been curved into a loop to include in Arunachal. But in this process, the lands of these three villages have been ceded to Assam. Being a representative of the people and a member of the regional boundary committee, ये लिखने के बाद उसका सवाल अब शुरू होता है सर, सुनिएगा। Why did you misguide the people of Durpai village to cede 60 square kilometer land to Assam, that too in written form, with each individual's signature on it? तो इसका ऊपर आपका क्या कहना है सर? Actually, regional committee को नामसाई declaration में authorize किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है, उसको बोरदोलोई लाइन भी बोलता है, एक असम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन बोलता है, उसको 1951 को ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था कि असम अरुणाचल का ये बाउंड्री लाइन होगा। okay. जबकि हमारा लोगों ने बिल्कुल उसको मालूम नहीं हुआ, और आज तक तो मैं उसको डिनाउंस करता हूँ, हम लोग उसको मानता नहीं। लेकिन लोकल कमेटी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाया था जस्टिस चटर्जी का ये चेयरमैनशिप, तो लोकल कमेटी ने सारा अरुणाचल जहाँ में बाउंड्री डिस्प्यूट है, जहाँ में असम का साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है, वहाँ में विजिट करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाया। तो फाइनल रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला है कि ये बाउंड्री आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से लेकर के आसाम में 3 किलोमीटर का रेडियस में जो भी अरुणाचल, जहाँ भी अरुणाचल का लूप बहता है उसको अरुणाचल को रिटर्न देना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस चटर्जी कमिटी, नामसाई में डिक्लेरेशन दिया है कि हम लोगों को जो रीजनल कमिटी था, हमारा जो एक्सरसाइज बाउंड्री का एक्सरसाइज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ 3 किलोमीटर, तो हमारा बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है कि बियॉन्ड 3 किलोमीटर। तो बियॉन्ड 3 किलोमीटर होने से ये सीएम लेवल में डिस्कस होगा, और उसको अरुणाचल में लाना होगा, तो सेम जो जितना यहाँ में हम अरुणाचल को दे रहे हैं इतना जमीन हम दूसरा जगह में आसाम को देना है, एक्सचेंज पॉलिसी में उसको भी कर सकता है, और एक्सचेंज नहीं होगा तो ये 3 किलोमीटर में ही सीमित रहना है, ऐसा नोटिफिकेशन है। तो उसको लोगों को पता नहीं है जी, बिल्कुल। तो जब डिस्कशन हुआ था, ये हमारा सेक्रेटरीट में मीटिंग हुआ था रीजनल कमेटी का, तो शुरुआत में वही दुर्पाई से स्टार्ट हुआ। मैं तो वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये आपका उसको उसको प्रोटेक्ट करना, और उसको जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करना। तो मैंने बोला है कि अगर बाउंड्री को सेटल करना होगा तो दुर्पाई, चंपाक चोजो, सुगुम, ये 3 बस्ती से शुरू करना पड़ेगा। तो असम का जो चेयरमैन था हमारा, पीएचई मिनिस्टर असम का, और वो हमारा रीजनल कमेटी का असम साइड का चेयरमैन था। इन्होंने बोला है कि आपका दुर्पाई, सुगुम, चंपाक चोजो, ये बियॉन्ड 3 किलोमीटर है, वो हमारा जुरिडिक्शन में नहीं है, आरसी का रीजनल कमेटी।
तो मैंने बोला है, अगर ये अगर जुरिडिक्शन में नहीं है तो हम बाउंड्री डिस्कशन करके क्या करके बैठेगा यहाँ। और मुझे तो लोग बोलेगा कि आपने नहीं कुछ नहीं बोला है कारण से ये डिसाइड नहीं हुआ। दो घंटा तक हम लोगों ने डिबेट किया। उसका बाद इन्होंने एक सजेशन दिया है कि आपका सीएम ऊपर बैठा है, आपका सीएम नामसाई डिक्लेरेशन में खुद साइन किया, इनको पता है कि ये 3 किलोमीटर और बियॉन्ड 3 किलोमीटर होने से रूल क्या होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग सीएम को अपॉइंटमेंट ले लेगा और अपॉइंटमेंट लेकर के हम लोग सीएम से सुनेगा। अकॉर्डिंगली हम लोग सीएम को अपॉइंटमेंट लेकर के हमारा अरुणाचल प्रदेश का सीएम सर पेमा खांडू सर को, सर ने बोला है कि नहीं आप जो एमएलए सर आप जो बोला है दरअसल थोड़ा सा गलत है, क्योंकि नामसाई डिक्लेरेशन का हिसाब से बियॉन्ड 3 किलोमीटर होने से वो एक्सचेंज पॉलिसी में हम उसको बाउंड्री को कर सकता है और उसका जो अथॉरिटी होगा सीएम सीएम लेवल में होगा, वो आप लोग का लेवल में नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने वो 3 बस्ती को स्किप करके उसको सीएम लेवल में रिकमेंड करके हम लोग फर्डर ये न्यू आपका ये से मीमांग से शुरू किया। तो न्यू मीमांग से शुरू करके हम लोग न्यू मीमांग हिमे न्यू हिमे देन गर्मे तोराजान रात है, उसका बाद सिलोनी बालीसुरी कांकू उली बाराजान निजिर कोचे नीलोक कमचम लिका बाली सारा सेटल किया। 80% हम लोगों ने रिजोल्व किया बाउंड्री इशू को। एक्चुअल ये 3 बस्ती कांको सर्कल का दुरुपाय एंड चंपा चौजू सुगुम। तो फिर हम लोगों ने एक गुवाहाटी में मीटिंग रखा सेम रीजनल कमेटी। तो उसमें मैंने एक प्रपोजल दिया था, ठीक है अब उसको हम जहाँ तक तो ऑक्यूपाई करके रखा है उसको हमको दे दीजिए, उसका एक्सचेंज में हम लोग एक जगह में आप लोग को जमीन दे। तो मैं तुरंत वहाँ से आकर के सारा दुरुपाय का वासियों को वहाँ का सीनियर यूथ सारा को मैं अपना बंगलों में बुलाया। तो उन लोग को बताया कि ऐसा ऐसा डिसीजन है और रीजनल कमेटी ने भी एग्री किया है कि अगर एक्सचेंज में आप लोग जमीन दे सकता है तो ये इसको हम लोग अपना कमेटी लेवल में फ्री कर देगा। तो दुरुपाय वाला ने मान लिया है कि ठीक है चलो तब तो हम लोग एक साइड में ये आसाम को दे देगा, दूसरा साइड हमारा फ्री होगा, सारा मान गया। 90% जो है मान गया। लेकिन उसमें एक दो मैं भी ये कारोबार शायद उसमें नहीं मना वाला था। तो ये लोगों ने बोला है कि नहीं हम लोग नहीं मानेगा, हम लोग 1 इंच जमीन हम लोग पार्ट नहीं करेगा, तो हम लोग को पूरा चाहिए। तो पूरा चाहिए तो हमारा कमेटी में कमेटी का जो मैंडेट था वो जुरिडिक्शन में आता नहीं है। तो हम लोगों ने उसमें फिर एक मीटिंग हुआ था गुवाहाटी में, हम लोग सीएम लेवल में रिकमेंड कर दें कि वहाँ का लोकल रेसिडेंट 90% मान रहा है लेकिन 10% जो 10% का रिजर्वेशन है कि वो लोग अपना जमीन को एक्सचेंज में नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से सीएम लेवल में हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया। तो सीएम लेवल में एक डिक्लेरेशन आया है कि दुरुपाय सुगुम चंपाक्सो जो है अरुणाचल का अंदर में आएगा, लेकिन उसका जो आसाम का साथ इनका ये WRC फील्ड है उसको अभी मतलब कौन सा लाइन से जाएगा उसको अभी तय नहीं किया। तो अभी सीएम लेवल में एक डिसीजन था कि विद इन 6 मंथ में RC जो रीजनल कमेटी है एक शीटिंग करके और एक बार विजिट करके उसको फाइनल शेप में लाना है। तो अभी वो तो मैंने परसों आसाम का जो चेयरमैन था इनका साथ डिस्कशन किया ओवर टेलीफोन में, इन्होंने बोला है कि आफ्टर 15 अगस्त हम लोग एक शीटिंग करेगा, शीटिंग करके हम लोग साइड इंस्पेक्शन करके उसको रिजर्व कर देगा। जी। तो ये एक सिंपल सा बात है लेकिन उसको घुमा फिरा के लोगों ने क्या क्या बोलता है कि चीज़ को नहीं जानने से मेरा यहाँ आना चाहिए, हमको पूछना चाहिए, मैं बता देगा। मैं तो हर कोई को बता देता हूँ कि ये सिस्टम है वो कारण से आपका रिजल्ट। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला आपके पास आते तो आप बता देते। हाँ, जरूर बताना तो, क्योंकि अब बहुत सारा जनता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि सर बताते तो ज़रूर है लेकिन कुछ ऐसे खबरें होती हैं कि मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ कई कबार ऐसे स्थिति हो जाती है कि लोग वहीं पे मौजूद नहीं हो पाते। तो वहीं पे सर आपको जुमकिन बोले, उन्होंने खास करके आपसे बहुत सारे कुछ सवाल भेजे हैं और ये मैं सवाल आपसे गालो डायलेक्ट में ही करना चाहूँगी, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू नो MPL
न्यूज़ लाइव डोंट वांट एनी क्वेश्चंस टू बी मिस्ड आउट. और जैसे वो हिंदी सवाल भेजेंगे हम हिंदी से ही आपको सवाल कर देंगे, जैसे इंग्लिश से भेजेंगे हम इंग्लिश से ही सवाल कर देंगे. फिर क्योंकि जुमकिन बोले जी ने जो है गालों में सवाल किए तो ये गालों से मैं रीड आउट कर देती हूँ आपको. तो उसका सवाल है जुमकिन बोले जी का, लिकाबली टाउनशिप 10 करोड़ सेंक्शन नंबर क्वालिटी अलमाबरी का मतलब पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सी दो ना. अगर लिकाबली 10 करोड़ टाउनशिप लगाब सर नो लागे ओके सक्सेस ओके ओके बैक ड्रो से योम बला सक्सेस मा बोलो सिन ओके रीजन यो वाला सर नो एक्सप्लेन बोलो मुनु पब्लिक सेटिस्फाई हेल्प मुदो ना. टाउनशिप एक्चुअली वो निश्चित से आया था 10 करोड़. लिकाबली टाउनशिप को हम लोग एक टाउनशिप रूट बनाएगा. मेरा प्रपोजल था 25 करोड़, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फेज वन करके 15 करोड़ को काट के 10 करोड़ का दिया था. तो 10 करोड़ देने का साथ साथ हमारा टेंडर हुआ. टेंडर हुआ तो हम लोग का वहाँ का एक लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जो वहाँ का लोकल फार्म था इनको सेलेक्ट किया. तो हमारा वहाँ का लोगों ने केस दे दिया कोर्ट में. तो कोर्ट में केस देने से फिर देखा है तो वो आदमी जरूर हमारा लिकाबली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन इनका फार्म जो है आपका असम में रजिस्टर्ड रहा, क्लास वन था. तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये आया है कि आपका ये पीडब्ल्यूडी में डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का हिसाब से पीडब्ल्यूडी में ये फार्म जो है रजिस्टर होना चाहिए. तो आपका असम रजिस्टर तो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में कवर नहीं करता. तो उन्हें कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, हम लोग को रीटेंडर करना पड़ा. तो रीटेंडर करने का साथ साथ फिर वो तो ऑल अरुणाचल ओपन कर दिया. ओपन करने से सारा अरुणाचल का बीडर आया. हमारा यहाँ का एक निशी भाई का फार्म टेंडर को जीता. तो इन्होंने फिर वहाँ लोकल को सप्लाई कर दिया. पीटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बैक टू बैक बोलता है क्या ऐसा कुछ सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर में. तो वहाँ दे दिया. जब काम करने शुरू किया है तो वहाँ का फिर हमारा वहाँ पे एक पॉलिटिकल सेंसिटिव तो होता है. तो मैंने इलेक्शन पीपीएस से जीता था, हालांकि अभी भाजपा का एमएलए हूँ, मैं ज्वाइन कर लिया. लेकिन वहाँ का जो बीजेपी का जो ओरिजिनल आपका पहले से था, इन लोगों ने बोला है कि हम लोग को भी वर्क को शेयर करना है, अदरवाइज हम लोग काम फिर कंप्लेन करेगा कोर्ट में, पिटीशन डालेगा, लिटिगेशन पे जाएगा. तो लिटिगेशन आफ्टर लिटिगेशन जाने से तो ये काम तो बिल्कुल नहीं होगा. तो फिर पीटी कॉन्ट्रैक्टर ने एक एग्रीमेंट दरो किया है कि पुराना बीजेपी वर्कर को 30% देगा और जो रिमेनिंग 70% है उसको करेगा. तो काम में अभी 3 पार्ट हो गया. एक है कि एक जो ओरिजिनल टेंडर्स जीता है उनका, दूसरा है कि वो जो साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, तीसरा है कि पुराना बीजेपी वर्कर पार्टी. तो थर्ड पार्टी 3 पार्टी होने का वजह से वर्क में बहुत हाफाजाट हुआ. तो कोई कोई जगह में काम सही नहीं है. अभी सुनने में आता है कि जो अपना से काम को 30% एग्जीक्यूट करके इनका काम सही नहीं है, तो वही आदमी बोलता है कि ये काम ठीक नहीं. अगर ठीक नहीं तो आपने क्या, आप अपना आपको क्वेश्चन कर रहा है कि यार रास्ता ठीक नहीं. अगर अच्छा आप बनाता तो रास्ता ठीक होना था, आपने खराब बनाया इसलिए खराब है. तो वो स्कीम निश्चित जो है इसी का कारण वो इतना स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुआ. मैंने खुद भी देखा है कि उसमें सक्सेस नहीं हुआ. और उसका ये और एक रीज़न है कि लिकाबली का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है. मैंने पहले जो जिक्र किया तो उसमें वाटर लॉगिंग होता है. तो वाटर लॉगिंग होने से बिटुमेनस पेवमेंट बोलता है जिसको अलकतरा लगाया को बिटुमेनस पेवमेंट बोलता है, वो पेवमेंट में अगर पानी मिल जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है. तो वो एक रीज़न था कि वो रास्ता का खराब होने. और दूसरा है कि जो अपर कॉलोनी जाने वाला वो तो लैंड स्लाइड है, आप लोगों ने देखा होगा. तो वो लैंड स्लाइड जो है वो कंटिन्यूस आते रहता है. तो वहाँ से मिट्टी गिरेगा, उसको क्लियर करेगा बुलडोजर, ये क्या बोलता है, पोकलैन लगाएगा, जेसीबी लगाएगा, ऐसा करके उसमें भी कुछ कुछ पर्सन जो डैमेज है. तो ये रीज़न है कि एक लैंड का स्टेबिलिटी का कारण, एक वाटर लैंड अनस्टेबिलिटी का कारण, एक है कि वाटर लॉगिंग का कारण, और तीसरा है कि
मतलब टू मेनी कॉन्ट्रेक्टर होने का कारण से ये सक्सेस नहीं हुआ जी। फिर सर जैसे आपने बोला कि एक मेजर कॉज है बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रेजेंस होने का कारण, तो यू बीइंग ए एमएलए आपका इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, तो हाउ वुड यू सॉल्व दिस सॉल्यूशन सर? सॉल्यूशन ये होगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, उसमें और एक हमको फंड लाना पड़ेगा। okay. और मैंने एक प्रपोजल भेजा हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, कल आज ही मैं सबमिट कर दिया। निश्चित से अगर प्रायोरिटी में आता है तो इस स्कीम को लेकर के हम लोग लिपू पोर्शन को कंप्लीट नहीं किया और लिरू में भी कुछ कुछ पोर्शन रह गया। okay. और उस पैसा से हम लोग जहाँ जहाँ में टिक कर सकता है उसको टिक करके उसको कंप्लेन करके तो कोई सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। उसको कैसा करके हम लोग वो रास्ता को टिक कर सकता है उसको सॉल्यूशन ढूंढना है। मैं ढूंढ रहा हूँ और मेरे ख्याल से सक्सेस होगा। और उसको पैसा लेकर के अभी एक ड्रेनेज का पैसा लेना है गवर्नमेंट से। दूसरा है कि वो टाउनशिप रोड को अच्छा करने के लिए एडिशनल हमको पैसा लेना होगा, जो पेज टू करके काट कर रखा है उसको लेकर के जहाँ जहाँ हम उसको अगर उसको सही कर सकता है उसको करना है। और लिखावली में थोड़ा सा एक इशू भी है कि लोग कालवाट बनाने नहीं देता है, ड्रेन बनाने नहीं देता है। कालवाट बनाने से यहाँ बनाएगा तो पानी उस तरफ जाएगा तो इनका ज़मीन में गिरेगा, तो ये आदमी बोलता है यहाँ बिल्कुल कालवाट नहीं बनाना है। ऐसा करके एंटायर स्टेट में कालवाट भी बहुत कम है और ड्रेन बनाने से फिर इनका वहाँ में पानी जाएगा, नहीं बनाना है। ऐसा करके बहुत कुछ ड्रेन भी नहीं बनाया। ऐसा करके वहाँ थोड़ा सा लोकल पीपल को हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा ताकि वो एक सिविक सेंस होता है उसका वो आ जाए और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑनरशिप उसका वो उसको हम लोगों को एक सेंसिटाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करूँगा। फिर सर आपको क्या लगता है कि क्योंकि नॉट ओनली लिकाबाली व्हेन वी टॉक अबाउट दी यू नो लैंड डोनेशन, तो इसमें कई लोग हमारे लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं रेडी हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका वजह क्या हो सकता है? द रीज़न बिहाइंड इज दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डिवेलपमेंट बाई डोनेटिंग लैंड। ये तो हम लोग का आदमी लोग का थोड़ा सा एक बुद्धूपन है, हम तो बोलेगा ये सब बुद्धू है इसको कारण से अपना जमीन को पब्लिक पर्पज में नहीं दे रहा है। मेरा अगर जमीन है तो उसी जमीन से रास्ता को जाने देना है। उसका जो बचा वाला जमीन है अभी जो इनका एग्जिस्टिंग जमीन से 100 गुना ज़्यादा वैल्यू होगा जी। उस चीज़ को लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरा क्यों 1 इंच भी जमीन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अगर करता है तो पैसा से। और भारत सरकार तो क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन दे दिया हमारा नितिन गडकरी जी ने, हमको जमीन दे दो हम रास्ता बनाएंगे। आपका जमीन खरीद के हम रास्ता नहीं बनाएगा। आप जमीन को प्री मतलब इन कन्फ्रेंसेस प्री बना के हमको देना है, हम पैसा देने तैयार है। अभी हमारा ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पासीघाट से होकर के हमारा लिकावली ये दुलुकमुख किमिन होकर ईटानगर आना है, ईटानगर से आपका वो द्विमुख होते हुए सिजोसा होकर के बालोपुंग होकर के बैराकुन जहाँ आपका भूटान असम अरुणाचल का ट्राई जंक्शन है वहाँ तक पहुँचना है जी। तो ये डीपीआर बहुत पहले बन के तैयार है, सारा प्रपोजल किया है, लेकिन हमारा एमएलए लोगों का भी एक रिजर्वेशन था, लोग जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देगा, हम एक कॉम्पेंसेशन का एक उसमें एक रखेगा प्रोविजन, जहाँ जिसका घर जाएगा जिसका पानी की टी जाएगा उसको कॉम्पेंसेट करना, एक मिनिमम कॉम्पेंसेशन का पैकेज रखना है। तो भारत सरकार ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, अगर कॉम्पेंसेशन देना तो स्टेट गवर्नमेंट देख करके हमको इनकमेंसेज फ्री जमीन दे दो हम रास्ता बनाए, उसी कारण से वो भी ऐसा बैठ गया। या तो अभी टेंडर करके काम शुरू करना था, अभी दापुर जो तो आपका दिलुकमुख वो हमारा बस्ती होते हुए हाईवे दिलुकमुख निकलेगा। हम लोगों ने पूरा 4-5 बार मीटिंग किया दापुर जो और कामले का लोगों का साथ, मैंने सीधा बोला है मेरा पोर्शन में मैं 1 पैसा कॉम्पेंसेशन नहीं लेगा, आप लोग भी नहीं लेना, रास्ता को आने देना। हम लोग बिना कॉम्पेंसेशन में जमीन को देगा करके अंडर साइन करके भारत सरकार को दे दिया, अभी सेंक्शन होकर के ये सेप्टेम्बर में टेंडर प्लॉटिंग करेगा। दापुर जो है आपका
दिलुंगमुख टू दापोरिजो का दूरी होगा 106 किलोमीटर ओनली। ओके, कितना मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस में हम लोग दापो का लोग वहाँ पहुँच जाएगा। उसी बहाना मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग हाईवे मिल रहे हैं मुफ्त में। ये तो इस बेनिफिट उसी को देखना चाहिए, लोग उसको नहीं देखते हैं कि नहीं मेरा जमीन जा रहा है तो हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए, ये एक बुद्धू का काम है। ठीक है सर, वहीं पे जुमकिन बोले जी ने फिर दूसरा सवाल आपसे की है, ये सीन मिल गालो भाई जी लिख तो क्वेश्चन हम मुन तन दुर्पाई और चंपक चाजो है कंट्रोवर्सी दो एम मुन तन में दुर्पाई है और चंपक चाजो है कंट्रोवर्सी दो अन्न ओक स्टेटस यौम बला सर इंटर स्टेट बाउंड्री का प्रेजेंट स्टेटस यौम बला सर नो आजी गोमेन जी बोलो। एम गो खोजो डिटेल बा मेन दबा एम आलुक सुगुम दुर्पाय चंपक बाउंड्री रिला बन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है तो ताया ते दो दो बोलोग बियॉन्ड 3 किलोमीटर बियॉन्ड 3 किलोमीटर को मुनुग आरसी कमेटी के डिस्कशन के जुरिडिक्शन लो काकुमा एम का नाम लगा वे मुनु कदे एम बदली पे लगे एक्सचेंज पे लगे मुनु अरुणाचल कदे लोग आसम एम जिग्रेला ए जग बोलुक दो जगह एकदम अरुणाचल लो लाचा पे लगे एक्सचेंज हृदय को जगह काम आलोक लोकल जगह 10% गंद मनीमा मनीमारम तो मो तो रिप्रेजेंटेटिव जबरदस्ती में आप लोग ये करना पड़ेगा एमलामा क्योंकि वो ये जो रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि लोग जो बोलता है उसको हमको वहाँ बताना तो हम अपना हिसाब से तो डिसीजन नहीं ले सकता तो वहाँ का 10% नहीं मना है तो मैंने बोला है कि नहीं ये लोग नहीं मन रहे तो अल्टीमेटली वो डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेवल में चला गया। तो मेहतर हुई है उसमें कोई और बोलने का कोई ये नहीं। ओके, फिर सर जुमकिन बोले मैं अकिन को क्वेश्चन को दही जी लिखतू मेरे क्वेश्चन है पी एम जी एस वाई 150 करोड़ पैकेज सर नो हिसाब लो करो 2018 नगो बोले तो 2019 नगो टेंडर रिला काम हम शुरू तो ज़रूर कोरोना में देरी तो हुआ है फिर भी सर नो इज्जा नो यौम बका दो सक्सेस रेत यौम बला और सक्सेस माबोलो सीन क्या क्या प्रॉब्लम्स था अगम ने नो अंगुन पब्लिकम नो मैं तुम जी बोलो माजी बो मुल्के 150 करोड़ नौक गेंसी अचिन इंक्लूड दो लिकावली अचिन इंक्लूड दो कांकु अचिन इंक्लूड दो कांकु 100 एबोव करोड़ कांकु सर्कुल है कांकु सर्कुल के अलिए यो लगा देरी का दे मोतु को जो ब्रिप पूरा मेंगम का और रोड के कंडीशन ने यो लगा रोड इज हम स्टेटस लो दो दो ना दे हम चिन जब का उसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफेक्ट है और पीएनजी एसवाई ही निगद मेंदु किस्मत नोक व्हाट्सएप लो चिन कान में कोई कोई ऐसा लिखता है कि ये तो केना साहब का समय में करके चला गया इन्होंने आकर कर अपना नाम को यहाँ में दबदल किया बिल्कुल ऐसा नहीं जब मैं एमएलए नहीं बना था वहाँ का एक नो रूट नो बूट करके एक 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 मुहिम चल रहा था तो उसी मुहिम के तहत 4 पोलिंग स्टेशन में बूटिंग नहीं किया तो ये लोग बोला था कि जब तक तो हमको रास्ता नहीं मिलेगा तब तक तो हम बूट नहीं करेंगे तो उसी को मैंने एक आधार बना करके एक बेस बना करके मैंने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सर्कुल में बिल्कुल रास्ता नहीं आप लोग उसको प्रायोरिटी में लेकर के रास्ता को बना देना है ताकि वहाँ का लोग भी एक अपना एक एक एक, एक जो जो इन्होंने जो डिमांड किया है उसका फुलफिल होने से वो लोग सही मायने में अच्छा पाएगा और एक फैसिलिटीज मिलेगा उन लोग सचमुच में ये लोग तकलीफ है तो स्टेट गवर्नमेंट का एक पीएमजी एसवाई का प्रपोजल चल रहा था उस समय में लकीली तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इनकॉर्पोरेट किया उसी का साथ साथ हमने लिकावली टू कुंतर जो रास्ता था अभी बन करके तैयार है हम लोग उस रास्ता को यूज़ करते हैं तो वो भी आया फिर हमारा वहाँ में रिंग तो सेंक्शन था रिंग से लेकर के आपका गिंग वो सेकेंड लास्ट बस्ती है सिवरी तो लास्ट है वो गिंग सेकेंड लास्ट है
तो वहाँ तो सेंक्शन है 3 पैकेज में. ऐसा करके सारा ब्रिजेस एंड देन रूट सारा पैकेज को मिला के 150 करोड़ का लगभग था हमारा वहाँ में. तो उसका सक्सेस जो है हमारा ऊपर गेंसी में तो अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसी रूट में, जो कि पहले आपका फोर व्हील नहीं होने से नहीं चलता था गाड़ी. और इसका क्रेडिट को मैं किरण जी को भी देना चाहता हूँ. okay. क्योंकि ये सारा प्रपोजल हम लोगों ने किया, स्टेट गवर्नमेंट उसका टेक्निकल मीटिंग जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में किया. वो करने के बाद हम लोग दिल्ली में भेज दिए. तो दिल्ली भेजने का साथ साथ तो हमारा वहाँ में कुछ ताकत तो वहाँ पहुँचता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपना स्टेट में सीमित है. तो हम लोगों ने अपना स्कीम का सूची बना करके ये इतना है ये इतना है कुल मिला के इतना करोड़ का है, किरण सर ये अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मिनिस्ट्री को लेजनिंग करके ये स्कीम को अप्रूवल कराना. तो सर ने करा दिया. तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है, एक लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने का साथ साथ मेरा प्रपोजल को भी स्टेट गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट किया. और जब वो दिल्ली पहुंच गया तो सेंक्शन कराना किरण जी का ड्यूटी था, किरण सर ने उसको किया. तो इसमें मेरा कोई दो राय नहीं है कि ये स्कीम उस फलाना जमाना में क्या था. अगर उसमें स्कीम सेंक्शन था तो उसमें नो रोड नो बोड मूवमेंट करने का क्या जरूरत है. अगर स्कीम्स प्रपोजल था तो ये करने का क्या जरूरत है. उस प्रपोजल बिल्कुल नहीं था. जी. मैं 2017 में एमएलए बनने का बाद में ये प्रपोजल शुरू किया और 18 में ये पूरा चला. तो 19 का फर्स्ट पार्ट में मेरे ख्याल जनवरी 2019 का जनवरी के आसपास में ये अप्रूवल मिला उसका. उसका ये आपका टेंडर हुआ था लास्ट मार्च आपका 2019 को टेंडर हुआ था. जब हम लोग इलेक्शन कर रहा था उस समय टेंडर का प्रोसेस भी चल रहा था. ओके सर, ही क्वेश्चन ही लास्ट बा क्वेश्चन को तका सा वका तो जुंकेन बोलगी मुगे क्वेश्चन को ही गिजितु मु क्वेश्चन है. रिसेंटली 70-80 करोड़ गो सेंक्शन तू कुंतूर तू दीपा ओक गारू गेंसी ओक पाई मोरी अन्म सर हिगिम नो योम्ब क्वालिटी अम मेंटेन मोल्प मुदु ओक योम्ब लानोक हिगिम ने एग्जीक्यूट नम लगा बनोक प्लानिंग अ योम्ब ला सर. इजा गोनुक गोक कॉन्सोनसे त रोड कनेक्टिविटी पीएमजी एसवाई क्राइटेरिया पैरामीटर के अंदर लो एलिजिबल ने सिर्फ ये 3 प्रोजेक्ट रह गया था. ओके. सारा कवरेज में आ गया. बाकी दीवे उसमपुरी है लेकिन उसमें पॉपुलेशन क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं होता है, पैरामीटर को मीटअप नहीं करता. तो ये 3 पैकेज रह गया था, उसको PMGSY3 में सेंक्शन करके अभी हम लोगों को सेंक्शन मिला वाला आज मेरे ख्याल 1 सप्ताह जैसा हुआ. okay. किरण जी ने मुझे फ़ोन किया था कि आपका जो जितना प्रपोजल आया था हम लोगों ने उसको सेंक्शन करा दिया. तो अभी वो एक पैकेज है कुंतूर टू दीपा. तो अभी हम लोग बाली टू दुरपाई कनेक्ट कर दिया और बाली टू लिकावली ऑलरेडी कनेक्टेड है. अभी लिकावली टू कुंतूर कनेक्ट है, कुंतूर टू दीपा कनेक्ट करने से हम लोग दीपा से दुरपाई सीधा पुटिल से कनेक्ट होगा. तो ये एक पैकेज है, उसमें 2 ब्रिज है बराबर और 2 ब्रिज का भी सेंक्शन मिला. अभी टेक्निकल सेंक्शन के लिए TS ये लोग डिपार्टमेंट बना रहे हैं. ये कंप्लीट होने से हम लोग टेंडर पे जाएगा और टेंडर करके जो काम मिलता है वो आपका जो एजेंसी है काम करना शुरू करेगा. और काम करने से हम लोग अपना मॉनिटरिंग करेगा. मैंने ये गारू गेंसी का लोगों को उस दिन आया था मेरा यहाँ में, मैं बताया आप लोग कमिटी बनाओ. कमिटी बनाओ, वो नॉट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर. आप लोग प्रो कॉन्ट्रैक्टर का कमिटी बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर को कोऑपरेट करो, जमीन जो डिस्प्यूट होगा आप लोग रिजॉल्व करो, कॉन्ट्रैक्टर जो भी लोकल इश्यूज होता है आप लोग रिजॉल्व करो और काम को क्वालिटी का साथ करने दो. अगर क्वालिटी का साथ नहीं करता है तो कंप्लेन करना भी आपका हक बनता है. आप पहले उसको बोलना है कि आपका सही नहीं है, आप उसको सही करो. अगर सही नहीं करता है तो ऑप्शन क्या बचता है कि कंप्लेन करना है. हम लोग सीधा कंप्लेन में चला जाता है कॉन्ट्रैक्टर को बिना डिस्कशन में. आरटीआई करता है, आरटीआई का पेपर निकाल के फिर कॉम्प्रोमाइज करता है, ये बिल्कुल नहीं करना है. रोड हमारा होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो भी आएगा करके चला जाएगा, लेकिन ये हमारा प्रॉपर्टी है, उसको देखभाल करना आप लोग का वहाँ का लोकल रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग कस्टोडियन है. मैंने बोला मेरा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ये हुआ है कि गारू गेंसी रोड, गारू गेंसी रोड जबकि एक
एकदम बहुत ही खराब है, मैं खुद को भी खराब लगता है। लोग गेंसे जाने लोग बोलता है आप तो बहुत काम करता है, बोला गारू गेंसे को आप ठीक नहीं करा सका। मैंने जिस दिन से मैं MLA बना मैं उसको बहुत कोशिश किया, मैं निश्चित में उसका प्रपोजल भेजा, उसका टर्न डाउन हुआ, उसका बाद में RIDF में प्रपोजल को भेजा, वहाँ में टर्न डाउन हुआ, फिर CRF में भेजा, तो अल्टीमेटली PMGSY3 में भेज के वो कनेक्टिविटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर करके उसका रूट ब्रिज भी बड़ा है, 5.5 मीटर कार्पेटेड एरिया, बहुत बड़ा रूट होगा PMGSY में। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करके, अभी का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा ख़राब है, उसमें सिंकिंग जोन ज़्यादा है और स्लाइड प्रोन एरिया है, तो उसको अवॉइड करके हम लोग जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी मीटिंग करके एक अलाइनमेंट को फाइनल करके उसको भी काम शुरू करा देगा, और गारो गेंसे रूट भी मेरे ख्याल 2 साल का अंदर ये सही हो। ओके, फिर सर आवर शो इज कमिंग टू द एंड, तो जाते जाते सर आप पे एक आरोप है, हमारी जनता से आपसे एक आरोप है, आरोप ये है कि आपका नामसाई डिक्लेरेशन को लेके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुमक बागरा वो इज़ ए चेयरमैन ऑफ रीजनल कमिटी, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपना MLA साउंडलेस और पब्लिक भी हेल्पलेस, अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए पेटिशन फाइल करने वाला है दुर्पाई के पब्लिक लोग, तो आप इसके ऊपर में जनता को क्या जवाब देना चाहेंगे? ये तो एक एलिगेशन डाला, जो एलिगेशन डाला मेरे ख्याल वो मेरा साथ मीटिंग में जाने से ब्लैक एंड व्हाइट में पता चलना था मैं कितना लड़ता हूँ कमिटी मीटिंग में। मेरे ख्याल हम जैसा लड़ने वाला बहुत ही कम होगा, मैंने आसाम MLA का साथ भी भिर जाता, अरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन का बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन कौन बनाया? चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम लाइन बनाने से हमारा पर्व बनाएगा ना आपका पर्व बनाएगा? आपको कौन बोला है कि ऊपर में लाइन खींच के रखो, हमको पूछ के खींचा है क्या जी? हम बहुत सगी से यहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ का टाइम इमेमोरियल यहाँ बैठने वाला हूँ, आप कौन होता है कि हमको अलग करके आसाम में लेके गया? कितना लड़ लड़ करके मैंने 80% बाउंड्री को रिजर्व किया, तो उसको एलिगेशन डालता है कि हमारा MLA जो है वो सब वहाँ जा कर चुपचाप बैठ जाता है, मैं उसको तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं इसको रिप्यूट करता हूँ, अगर ज़रूरी पड़े तो मैं उसको बोलूँगा जो इसने एलिगेशन लिखा है, मैं उसको साथ में ले जाएगा और इनका साथ बैठ करके मैं रीजनल मीटिंग में स्पेशल उसको सीट दिला के उसको बैठा के मेरा जो डिबेट है उसको सुनने देगा, मैं इतना तो चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डरता नहीं हूँ, मैं अपना जो बोलना है उस चीज़ को बोलता हूँ, जिस चीज़ को करना चाहिए उसको करता हूँ, मेरा एक सीधा साधा, मैं किसी कोई गलती काम नहीं करता हूँ, मैं किससे डरेगा? इसलिए ये एक एलिगेशन है, मैं तो बिल्कुल उसमें रिजॉल्व करने के लिए, ये आसाम अरुणाचल जो बाउंड्री है उसको ये लोग नहीं जानता है, ये लोग सोचता है कि हम लोग जैसे कबांग करता है ऐसा करता है, MLA जिसका प्रेजेंटेशन सही होगा उसका वो लोग मानेगा, ऐसा नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सीधा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर में दिया है। MLA आपका अगर उसमें धेमाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आता है तो रोनोज पीगू सर वो आसाम का एजुकेशन मिनिस्टर है, वो धेमाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA है, हम दोनों में 1-to-1 डिस्कशन होता है, सर ये इशू ऐसा है, हम लोगों ने उसको विजिट किया देखा, ये वहाँ का लोकल का जो बाउंड्री शेयरिंग करता है इसका ओपिनियन ये है, इसको हम दोनों एक जियो कोऑर्डिनेशन बैठा करके उसको रिजॉल्व करना है, अगर इनका जो वहाँ का लोकल रेसिडेंट है वो नहीं मानने से सार भी तो कैसे ब्लाइंडली एग्री करेगा? नहीं करता, वो बोलेगा नहीं वहाँ का रिसेंटमेंट ये है, ये कारण से हम उसको साइन नहीं करता। फिर मेरा यहाँ भी सेम है, बोलता है कि ना सारा मेरा जितना हम लोग का पानी की तो जो WRC फील्ड है वो अरुणाचल आना चाहिए, नहीं आएगा तो बिल्कुल हम लोग नहीं मानेगा, तो मेरा उसमें अपना ओपिनियन नहीं रहेगा, ओपिनियन इनका होगा जिसका ज़मीन है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये हमारा ओपिनियन है कि हमारा सारा ज़मीन अरुणाचल में आना चाहिए, तो उस चीज़ को ये लोग नहीं समझता, कभी मीटिंग गया नहीं, कभी देखा नहीं, तो MLA भी सपोज हम मान लेगा दुर्पाई को, एक एग्जांपल लेता है, दुर्पाई को हम रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है इनका बस्ती का वहाँ से बाउंड्री जाएगा, तो दुर्पाई वाला मानेगा क्या? तो दुर्पाई वाला बोलता है कि हमारा वहाँ में जहाँ में मेरा
ये WRC फील्ड एंड है, वहाँ तो हमारा बाउंड्री चाहिए। तो इनका डिमांड ऐसा होने से मैं कौन होता है कि इनका डिमांड को ऊपर में लेके आएगा, तो इसमें कॉन्सेंसस नहीं बनता है। तो कॉन्सेंसस नहीं बनेगा तो साइन नहीं होता है, साइन नहीं होता है तो वो बाउंड्री डिस्प्यूट में रह जाता है। तो बाकी में कॉन्सेंसस बना और उसमें क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ आसाम और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का इंस्ट्रक्शन था, बाउंड्री एरिया में जहाँ आप लोग रीजनल कमेटी जा करके उसको रिजोल्व करेगा, वहाँ में एकदम पीसफुल एटमोस्फेयर होना चाहिए। आप लोग कोई फोर्स लेकर नहीं जाना चाहिए, किसी को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोथ द पार्टी, जो आसाम होगा जो अरुणाचल होगा, वहाँ का लोकल रेसिडेंट को, दोनों को बैठा कर आइडेंटिफाई करने दो, नहीं ये तो अरुणाचल आदमी का ज़मीन है, ये आसाम का आदमी का जमीन है, अरुणाचल वाला आइडेंटिफाई करना। तो एक उसमें कॉन्सेंसस बन जाता है, कॉन्सेंसस बनने का बाद में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है हम अपना जमीन को तेरा बेका करके ले जाएगा। जहाँ ऐसा कॉन्सेंसस बनता है तो हमारे लिए ईजी है, हम उसको प्लेस करता है, नहीं लोकल का कॉन्सेंसस है, कोई इशू नहीं है, वो रिजॉल्व में आ जाता है। कोई कोई बस्ती में, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिली बस्ती है, तो सिली बस्ती में वहाँ आसाम साइड का लोग एकदम एडामेंट है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन ही अलग है। वो लोग अखिल गोगोई का एक राज्य दल बोल के एक पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ का लोग है, वहाँ का जो वर्कर लोग है, वो लोग तो चाहता नहीं कि आसाम अरुणाचल बाउंड्री रिजॉल्व होना है। इनके लिए ये बाउंड्री इशू रहना चाहिए और इनको एक एक एजेंडा बनाने के लिए मौका मिलेगा, उसी एजेंडा का तहत उसका पार्टी ऊपर जाएगा। तो वो तो मन बना के बैठा वाला तो कभी भी वो तो सेटलमेंट में कॉन्सेंसस में नहीं आएगा। तो वहाँ का लोग बोलता है कि हम बिल्कुल नहीं बनेगा, हम तो सिर्फ बोरदोले लाइन को जानता है, हम वहाँ से बाउंड्री बनेगा एडामेंट करके बैठा। तो उसमें MLA तो बायले मैंने क्या बोलता है आर्बिट्री डिसीजन नहीं दे सकता है ना, नहीं उसको ऐसा करेगा तब तो वहाँ भी हल्ला होगा। उसमें भी सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट यूनियन ने, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन ने, सब हल्ला गुल्ला करने शुरू होगा। तो गवर्नमेंट का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ में पीसफुल एटमोसफियर को एग्जिस्ट करके प्रिविल होने दे करके आप लोग उसको सेटल करना है, कोई भी साइड से उसका कोई एग्रीप नहीं होना चाहिए। तो उसी मिशन का तहत हम लोगों ने बाउंड्री को कर रहा है, उसमें कोई मतलब हिडन एजेंडा नहीं है, ये लोग नहीं जान करके ऐसे एलिगेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कितने बेहतरीन से एकदम डेप्थ में जाके अपने लोगों को, जनता को समझा दिया। तो सर, बिफोर द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, इफ़ यू हैव एनी मैसेज, इफ़ यू हैव एनी एडवाइस फॉर द यू नो पब्लिक ऑफ 28 लिकावाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, द स्क्रीन इज योर्स। लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा फोकस नहीं करके डेवलपमेंट में फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये एक बाउंड्री एरिया में है और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बहुत ही बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, और उसको हम सही करने के लिए अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट का साथ में हम बराबर करने के लिए हमको एक यूनिटी, कोऑपरेशन और एक 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 कॉन्सेंसस जरूरी है। और मैं सोचता हूँ कि आज का दिन में मैं एक राइट कैंडिडेट हूँ और आज का दिन में मैं एक राइट लीडर हूँ कि लिकावली गेंसी को लीड करके एक अच्छा दिशा एक दिखाएगा। और लिकावली गेंसी को मैंने अपना 6 साल में बहुत कुछ काम किया, और अनदर अगर 5 साल लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो ज़्यादा जो जो बचा पुचा काम होगा जिसने मैंने सोच कर रखा हूँ उसको मैं सही ढंग से उसको करने कोशिश करूँगा, और मैं सोचता हूँ कि उसको मैं पक्का कामयाब होगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम लोग एक नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना है। तो नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब हम लोग एक एक ऐसा जगह में जहाँ प्री कंस्ट्रक्टेड कोई स्ट्रक्चर नहीं, वहाँ हम लोग एक बहुत एक अच्छा एक प्लानिंग कर सकता है। तो अरुणाचल का एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हम लोग बना सकता है, क्योंकि हमारा लोकेशन ऐसा जगह में लोकेटेड है कि हम लोग आसाम से 13 किलोमीटर दूरी में है, फिर ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से हमारा 1 घंटा का रास्ता है, जितना भी टूरिस्ट होते हैं वहीं से आ सकता है। फिर आपका रेलवे स्टेशन सिलापत्तर में है, वो 15 मिनट में पहुंच जाता है। और ये गेटवे ऑफ ऑल द अपर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अपर सुबनसिरी है,
आपका सियोमी है, लेपाराना है, देन वैश्यांग है, सियांग है, अपर सियांग है, सारा इसी से ये लिखावली होकर के सीजी होकर के जाएगा। तो सीजी जो है एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा एक प्रपोजल है, रेलवे लाइन आपका सिलापत्थर टू बाम है, उसका सर्वे हो रहा है और मेरे ख्याल से सर्वे कंप्लीट हो गया। उसका रेलवे स्टेशन जो है हमारा हेडक्वार्टर का बगल में, आपका 30 मीटर का दूरी में ये उसको ईयरमार्क करके रखा है। अगर ये आपका रेलवे स्टेशन हेडक्वार्टर बन जाता है तो कितना और प्लस पॉइंट होगा लोगों का, आपका जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन, लोगों का आना जाना, मतलब एक हम लोग एक अच्छा हेडक्वार्टर की अरुणाचल पासीघाट का बाद में ये एक सेकंड हेडक्वार्टर हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा प्लानर चाहिए जो कि सेल्फिश बिल्कुल नहीं है। मैंने तो घोषित कर दिया, मुझे पब्लिक का डोनेट किया वाला जमीन से एक MLA का हिसाब से एक टुकड़ा जमीन नहीं चाहिए। और जब मैं सेक्रीफाइस कर रहा है तो किसी को भी नहीं देगा, हम उसको प्योरली गवर्नमेंट पर्पस के लिए रखेगा, उसको सही प्लान करके एक फ्यूचर जनरेशन को हम एक बहुत एक मतलब वेल प्लान सिटी हैंडओवर करके जाएगा। ये मेरा विजन है, उस विजन को अकॉम्प्लिश करने के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए मुझे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे साथ देगा। थैंक यू वेरी मच डियर व्यूअर्स। सो द ग्रेट टेक अवे वी कैन हैव फ्रॉम आवर टुडेज कन्वर्सेशन, फर्स्ट आवर गेस्ट हैज टॉक्ड अबाउट द टेंशंस अंडर कांकू सर्कल, द मीटिंग विच वॉज हेल्ड बिटवीन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, and he has also talked about the outcome of the meeting. And secondly, our guest has also talked about the lack of teachers in the schools of Likavali and establishment of college in the Likavali. He has also talked about the interstate boundary issue between Assam and Arunachal. Last but not the least, he has also expressed concern over waterlogging situation of entry point of Likavali. So this was all about our today's conversation with the 28th Likavali sitting BJP MLA Sri Kardoni Gyor. So Janta, the public of 28th Likavali constituency, now it depends upon you people, क्योंकि आज के conversation में आपने देख ही लिया कि आपका जो आने वाला जो leader है, जो candidate है, वो कितना कुछ कर रहा है और आने वाला कल को भी क्या करने जा रहा है। So may the best one wins and all the very best to the public for choosing your leader.